Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well at your homes. Okay, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म इजाफे की दुआ, तो आप मेरे साथ पढ़िए इल्म इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा. यह आपकी उर्दू की वर्क बुक है. आज हम उर्दू की वर्क बुक में काम करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 4 पे. सो लेट्स ओपन पेज नंबर 4 विद मी. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4, सफ़ा नंबर 4, सबसे पहले हम डेट एंड डे लिखेंगे. टुडे इज वेनसडे एंड 9 दिसंबर 2020. तो हमने तारीख पे लिख दिया 9/12/20, 9 दिसंबर 2020. और दिन में हमने लिखा बुध, वेनसडे. ओके, कलीदी अल्फाज, आपको पता है कलीदी अल्फाज क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कलीदी अल्फाज कौन से वर्ड्स होते हैं. कलीदी अल्फाज की वर्ड्स होते हैं जो हम बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार लिखते हैं, ठीक है. अब हमें क्या करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है. पसंद, अच्छा, अच्छी, अच्छे, हम 3 times पढ़ेंगे, ठीक है. पसंद, अच्छा, अच्छी, अच्छे. पसंद, अच्छा, अच्छी, अच्छे. पसंद, अच्छा, अच्छी, अच्छे. अब यहाँ पर हमें ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है. और अब नीचे देखिए, मेरी पसंद, मेरी पसंद हमें क्या करना है, रंग, सब्जी, फल, जानवर. अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, तो आपको इधर अपना नेम बताना है, ठीक है. मैं डैश हूँ, मुझे क्या पसंद है. अब मेरा नाम क्या है, फरियाल, तो मैं इधर लिखूँगी फरियाल. आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है. मुझे क्या पसंद है, अब हमें जो भी पसंद है हमें उस पर क्या करना है, टिक लगा देना है. जानवर से स्टार्ट करते हैं. मुझे क्या पसंद है, बिल्ली, मछली, बंदर, शेर. मुझे तो बिल्ली पसंद है, तो मैंने बिल्ली पे टिक कर दिया. आपको जो पसंद है आप उस पर टिक करिएगा, ठीक है. फल, आम, अंगूर, अमरूद, अनार. मैं अनार पे टिक कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के फ्रूट पे टिक कर दिएगा. सब्जी, खीरा, आलू, गाजर, मटर. मैं आलू पे टिक कर रही हूँ, ठीक है. रंग, लाल, सब्ज, नीला, सफ़ेद. मैं लाल रंग पे टिक कर रही हूँ, ठीक है. ओके बच्चों, आप ये टिक कर दिएगा, ठीक है. और आपको यहाँ पे ये काम बिल्कुल ऐसे ही करना है. यहाँ पे आप दोनों जगह पे लिखेंगे पसंद, इधर अच्छा, अच्छी, अच्छे, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 5, सवालात के जवाब जी हाँ या जी नहीं की मदद से देने हैं. क्या ये बाजा है, यहाँ पर देखिए ये तो ताला है, तो हम क्या लिखेंगे, जी नहीं ये बाजा नहीं है. ओके, क्या ये हाथी है, यस, जी हाँ ये हाथी है. क्या ये कोट है, जी हाँ ये कोट है. क्या ये हाथ है, ये तो कान है, तो हमने लिखा जी नहीं ये हाथ नहीं है. क्या ये नाक है, जी हाँ ये नाक है, ठीक है. अगर आप की लाइन पे ये पूरा वर्क नहीं आ रहा हो ना, पूरा जुमला ये जो आपने लिखा होगा, तो आप यहाँ पर मम्मा से लाइन ड्रॉ करवा दिएगा और इस तरीके से काम कर लिएगा जिस तरीके से टीचर ने किया है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, ज़रा बताएं तो. अब यहाँ पर आपको ये इस तरीके से फिल करने जैसे मैंने किया है. आपके कितने हाथ हैं, आपको पता है आपके कितने हाथ हैं, सबको पता है 2 हाथ हैं, तो हमने इधर लिख दिया 2. आपके कितने पाँव हैं, 2. आपके कितने कान हैं, 2. आपकी कितनी नाक है, 1. तो हमने इधर लिख दिया 2 2 2 1. ये दोनों पेजेस आपको इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल सफाई से, ठीक है. बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, ताकि जब टीचर चेक करें तो आपको स्टार्स मिले, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.